एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं, उन्हें के सपोर्ट के लिए उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम डॉग्स इन द विच इज़ इन योर न्यू मलबेरी क्लास टू इंग्लिश बुक। ओके, दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन कीचिंग। ओके, इस पोएम में उन्होंने हर एक तरह के डॉग के बारे में बताया है, मतलब अलग अलग डॉग्स के बारे में। हमारे घर में हम पेट डॉग्स रखते हैं, तो किस किस तरह के डॉग्स होते हैं अलग अलग तरह के, उन्होंने इस पोएम में समझाया है। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। डॉग्स बिग, डॉग्स स्मॉल, डॉग्स शॉर्ट, डॉग्स टॉल, डॉग्स फैट, डॉग्स थिन, डॉग्स डैट मेक अ ड्रेडफुल डिन। वो क्या बता रहे हैं, कुछ डॉग्स बड़े होते हैं, कुछ डॉग्स छोटे होते हैं, कुछ डॉग नाटे होते हैं, कुछ डॉग्स लंबे होते हैं, कुछ डॉग्स मोटे होते हैं, कुछ डॉग्स पतले होते हैं, और कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ निकालते हैं। ड्रेडफुल डिन का मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकाल रहे। ओके, डॉग्स स्मूथ, डॉग्स हेयरी, डॉग्स फ्रेंडली, डॉग्स स्केयरी। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत स्मूथ होती है, और कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्स होते हैं, मतलब बहुत हेयरी डॉग्स होते हैं। और कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं, जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं किसी से भी। और कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, जिन्हें देख के बच्चे दूर से ही भाग जाते हैं। डॉग्स ब्राउन, डॉग्स वाइट, डॉग्स दैट बार्क ऑल थ्रू द नाइट। कुछ डॉग्स ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ डॉग्स वाइट कलर के होते हैं, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो रात भर भौंकते ही रहते हैं। डॉग्स डैट रन, डॉग्स डैट वॉक, डॉग्स डैट मेक यू थिंक दे विल टॉक। डॉग्स अवेक, डॉग्स एस्लीप, डॉग्स फॉर द ब्लाइंड, डॉग्स फॉर द शीप। क्या कह रहा है कोई कि कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो दौड़ते हैं, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो चलते हैं, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये तो अभी बात करने लगेंगे। ओके, कुछ डॉग्स जागे हुए होते हैं, कुछ डॉग्स सोए हुए होते हैं, और कुछ डॉग्स अंधों के लिए काम आते हैं जो देख नहीं सकते, कुछ डॉग्स शीप के लिए होते हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल द डॉग्स आई नो गोज़ विथ मी एवरीवेयर आई गो। क्या बता रहे हैं लास्ट में पोएट के, मुझे तो बस इतना पता है कि सारे डॉग्स में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा कौन है, वो वाला डॉग जो मेरे साथ हर जगह जाता है, यानी कि उनका अपना पेट डॉग। ओके, सो दिस वॉज द पोएम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।